एक्सरसाइज 9.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, यानी क्वेश्चन इन्होंने ये पूछ दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ पार्ट है, हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट -1 एंड 0, यानी -1 और 0 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखकर दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है एंड 0, तो माइनस का 1 है तो हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, a बाई बी की फॉर्म में, यानी किस फॉर्म में, a बाई बी की, या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए माइनस 1 है तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, 6। क्यों मानेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम 6 लिख रहे हैं तो क्या मिला, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो देखिए कितने नंबर मिला, 1 2 3 4 5, यानी माइनस है तो माइनस कर देंगे यहां पे। ठीक है, आया कुछ समझ में। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर 6 लेंगे तो 5 हमारा रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम सॉल्व में, -1 है तो माइनस का 1। ठीक है, a बाई बी की फॉर्म में लिखिए या p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए b है नीचे तो हम बी भी क्या करेंगे, यानी 1 ही लेंगे। ठीक है, हम कौन सा नंबर ले रहे हैं, 6 इंटू 6, अगर डिनोमिनेटर 6 ले रहे हैं तो न्यूमिनेटर भी क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या मिला, माइनस अपॉन 1 6 6। अब हम सोल्व करेंगे किसको, 0 को, तो यहां पर लिखेंगे एंड 0, नीचे हमने कौन सा नंबर लिया था, 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंटू, यहाँ डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया, 6, तो यहाँ भी 6 लेंगे इंटू, अगर 6 डिनोमिनेटर में लिए हैं तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 6 ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 1 6 6। अब हम क्या करेंगे, इसके और इन इसके बीच में हम 5 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रूलर, तो रूलर पे ऐसे लिखा होता है ना, देखिए है ना, यहाँ पे क्या मिला, 0। तो देखिए हमने 6 लिया तो इसके राइट साइड में कितने नंबर बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 बच रहे हैं तो हमें 5 ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रहे डिनोमिनेटर हमारा 6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पे हम 5 रेशनल नंबर लिख रहे हैं। देखिए 6 तो हम ले चुके हैं, माइनस का 6, तो अब क्या लेंगे, माइनस का 5 लिखिए अपॉन डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 6, उसके बाद क्या मिला, माइनस का 4, तो लिख दीजिए माइनस का 4, डिनोमिनेटर सेम, माइनस का 3 डिनोमिनेटर सेम, माइनस का 2 डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, माइनस का 1 अपॉन 6। ये हमारा मिला फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में इन्होंने दिया, देखिए माइनस का 2 एंड माइनस का 1, सेम प्रोसेस है, ए बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे इसको भी। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं माइनस 2 को, तो यहां लिखेंगे माइनस का 2 अपॉन, हम क्या लिए थे फर्स्ट वाले में, 1, तो यहां पे 1 लेंगे। अब देखिए एन टू, अगर इसमें भी हम 6 लेंगे तो हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा, तो यहां भी हम 6 ले रहे हैं और यहां भी 6। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 क्या मिला, 12, माइनस है, यहां साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या मिला, माइनस 1 6 6, तो ये मिल गया माइनस 2 का। ठीक है, अब निकालेंगे माइनस 1 का, तो यहां पे लिखेंगे एंड माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो गया, तो ए बाई बी की फॉर्म में लिखिए या पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो हम नीचे भी क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। अब क्या करेंगे इंटू, ठीक है, जब डिनोमिनेटर हमने 6 लिया है यहां पे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 6 ही लेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लें, 1 6 6, माइनस इंटू प्लस क्या मिला, माइनस 1 6 6। अब देखिए यहां पे देखिए माइनस का 12 है और यहां पे माइनस का 6, तो देखिए 12 और 6 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर तो मिल जाएगा।
तो यहां पे लिख देते हैं। चलिए लिख दीजिए, यहां पे डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आया है 6 और यहां भी 6, तो यहां पे लिख देते हैं। देखिए 12 है, 12 के पहले क्या आते हैं 11, 6 क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो माइनस है तो माइनस ही करेंगे यहां पर भी, ठीक है। उसके बाद 11 के पहले क्या आते हैं 10, यानी माइनस का 10 6, माइनस का 9 6, माइनस का 8 6, माइनस का 7 6। देखिए हमें 5 रेशनल नंबर मिल गया यहां पे, ये हमारा मिला सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं यहां पे। तो देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया माइनस का 4/5 एंड माइनस का 2/3। तो देखिए थर्ड पार्ट में माइनस 4/5 एंड माइनस 2/3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहां पे क्या मिला माइनस 4/5, तो लिखिए माइनस 4/5, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, हम कोई ऐसा नंबर लेंगे ताकि इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, लेकिन कोई ऐसा नंबर लेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा सेम आए। तो हम नंबर कौन सा ले रहे हैं 9, तो जब डिनोमिनेटर में हम 9 ले रहे हैं तो ऊपर भी 9 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 9 क्या मिला 36, यहां माइनस है यहां साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या मिला माइनस। और यहां पे देखिए 5 9 क्या मिला 45, तो ये हमारा मिला माइनस 4/5 का रेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे एंड माइनस 2/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 का टेबल पढ़े कि हमें कितना मिल जाए 45 मिल जाए, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर हमारा कितना आया है 45 आया है, ठीक है। तो देखिए अगर 3 का मल्टीप्लाई 15 में करें तो हमारा कितना आ जाएगा 15 3 45 आ गया। जब डिनोमिनेटर यहां 15 ले रहे हैं तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 15 ही लेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 215 द यानी 15 2 जो क्या मिला 30, यहां माइनस है साइन है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या मिला माइनस अपॉन 15 3 जो क्या मिला 45। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, अगर सेम बन गए तो रेशनल नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहां पे ये हमारा मिला माइनस का 36 और ये मिला माइनस का 30, हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है तो यहां पे लिख देते हैं 45 डिनोमिनेटर। अब देखिए माइनस का 36 है, इसके पहले क्या आते हैं माइनस का 35, इसके पहले क्या आते हैं माइनस का 34, डिनोमिनेटर सेम है, इसके पहले क्या आते हैं माइनस का 33/45, इसके पहले क्या आते हैं माइनस का 32/45, इसके पहले क्या आते हैं माइनस का 31/45। तो ये हमारे निकल गए 5 रेशनल नंबर यानी थर्ड पार्ट का, ठीक है, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया 1/2, यहां लिख देते हैं फोर्थ पार्ट 1/2 एंड 2/3। हमें इसमें भी क्या करना है 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो 1/2 है तो यहां पे लिख देते हैं 1/2, ठीक है। इसको भी a बाई बी की फॉर्म में लिखना है, ध्यान रहे ये माइनस का 1 है, ठीक है। अब हम देखिए कौन सा नंबर ले रहे हैं, हम यहां पे 3 ले रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर 3 ले रहे हैं तो न्यूमिनेटर भी क्या होगा 3 ही होगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1 3 जा क्या मिला 3, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 जा 6, तो ये हमारा निकल गया माइनस 1/2 का। अब हम निकालेंगे 2/3 का, तो यहां एंड करेंगे 2/3, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम हमारा इसमें डिनोमिनेटर निकला है 6, तो इसको भी हम क्या करेंगे 6 ही बनाएंगे। तो देखिए 3 का टेबल पढ़िए कि 6 मिल जाए, 3 2 जा 6,
तो जब यहाँ पे डिनोमिनेटर हम 2 ले रहे हैं तो न्यूमिनेटर भी हम क्या करेंगे 2 ही लेंगे। अब देखिए 2 2 जो क्या मिल गया 4, 3 2 जो क्या मिला 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया सेम आ गया। ठीक है, जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक रेशनल नंबर नहीं फाइंड हो पाएगा। ठीक है, अब तो सेम हो गया, अब हम लिख सकते हैं। देखिए माइनस का 3 है तो माइनस का 2 लिख सकते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है यानी 6 है। उसके बाद माइनस 2 के पहले क्या आते हैं माइनस का 1/6, उसके पहले क्या आते हैं प्लस का 1 यानी 1/6, उसके पहले उसके बाद क्या आते हैं 2/6, 2 के बाद क्या आते हैं 3/6। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। तो देखिए -3/6 4/6 के बीच का 5 रेशनल नंबर हमने फाइंड किया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।